और वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज 8 इन इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। और हमारी सहयोगी अनुपमा झा ने उनसे खास बातचीत की, ये देखिए। अहमद अदीब जी, सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड में भी बहुत हेल्प किया था, उसकी बात भी बहुत हेल्प किया था मॉल्डीव्स पे और मॉल्डीव्स टूरिज्म में भी इंडिया की बहुत बहुत हेल्प मॉल्डीव्स को मिला था जी। तो बहुत बहुत ये बहुत दुखी की बात है, ये हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। अच्छी बात है आप इस विवाद पर दुख जता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है। पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को कितनी तरजीह देते हैं, मगर उसके बावजूद मालदीव के मंत्री उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं, पर अहमद अदीब जी किसके इशारे पर ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन इसके पीछे है, क्योंकि आपके राष्ट्रपति चीन के काफी करीब है, वो चीन के दौरे पर भी हैं। ये नया नया सरकार है तो हम देख लेने चाहिए कि वो क्या कर रही है चाइना के साथ और अदर देशों के साथ। पर ये जस्ट 2 मंथ हुआ है इस सरकार को, तो हम भी देख रहे हैं वो कैसे कैसे डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि आप भारत को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मालदीव के मंत्रियों के बयानों से भारत में लोग बहुत नाराज हैं। वो मालदीव का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, वरुण धवन जैसे भारत के बड़े बड़े एक्टर्स ने इस पूरे विवाद पर बेहद नाराजगी जाहिर की है। मालदीव पे बहुत नुकसान हुआ, ये बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है और हमारा मालदीव को प्रमोट करने वाला इंडियन सेलिब्रिटीज भी अब कमेंट कर रही है मालदीव से देके नेगेटिव कमेंट। तो ये बहुत बड़ी नुकसान है, तो हम माफी मांग के रिलेशनशिप बढ़ाना है वो लोगों को सस्पेंड करके, बिकॉज विदाउट इंडिया वी कैनॉट गो फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अदीब जी आपका हमें समय देने के लिए। तो आपने अहमद अदीब को सुना, जो ये साफ तौर पर मानते हैं कि मालदीव की इकोनॉमी में भारत की भूमिका क्या है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, कैसे इसकी शुरुआत है, कैसे ये विवाद में तब्दील हो गया। सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे पर गए थे और उसके बाद उन्होंने इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। अब प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें तुरंत वायरल हो गई और वहां से मालदीव के बेहतर होने की चर्चा छिड़ गई। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर भारत में लोग ये कहने लगे कि यार ये तो मालदीव से भी बढ़िया जगह है घूमने के लिए। अब मंत्री मरियम शिवना ने प्रधानमंत्री पर इसी को लेकर अपमानजनक उन्होंने ट्वीट कर दिया और इसी बात को लेकर खलबली मच गई, जो तुलना कर दी गई थी मालदीव और लक्षद्वीप की। इस पर यहां पर अपमानजनक टिप्पणी की शुरुआत हुई। मंत्री मालशा शरीफ ने भी प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक ट्वीट कर दिए, मजाक उड़ाया गया। मंत्री अब्दुल्ला मजहूम माजिद ने भारत का मजाक उड़ाया और यही वजह रही कि विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। तो जैसे ही अपमानजनक टिप्पणी की गई, इसके बाद तो भारत में लोगों का गुस्सा भड़क गया, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया, सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। कई लोग जो मालदीव घूमने जाने वाले थे उन्होंने अपनी ट्रिप तक रद्द कर दी, मालदीव की फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन यानी कि टूरिज्म से चलती है और इसीलिए मालदीव में हलचल मच गई, वहां की सरकार बैकफुट पर आ गई। उसने खुद को अपने मंत्रियों के बयान से अलग कर दिया और सफाई दी कि ये मालदीव की सरकार का मत नहीं है, ये उनका निजी व्यक्तिगत बयान है। मगर इन सब के बीच में भारत सरकार ने यह मुद्दा मालदीव के सामने उठाया, भारतीय उच्चायोग ने कड़े तौर पर निंदा की और खरी खरी सुनाई।
नतीजा ये हुआ कि मालदीव ने भारत और पीएम के बारे में टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और उन तीनों मंत्रियों को अपने ट्वीट तक डिलीट करने पड़े। लेकिन देखिए, आम से लेकर खास तक हर कोई गुस्से में था। भारत में नामी हस्तियों ने मालदीव के मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। अक्षय कुमार ने तो सीधे सीधे देश के द्वीपों पर घूमने को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने ट्वीट किया, उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, भारतीयों के बारे में मालदीव के नेताओं की नस्लीय और नफरत से भरी टिप्पणियों के बारे में पता चला। मैं हैरान हूँ कि वो देश के बारे में ऐसा कहते हैं जहां से उन्हें सबसे ज्यादा पर्यटक मिलते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, मगर हम ऐसी नफरत क्यों सहे? हमें अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। यह अक्षय कुमार का ट्वीट। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मालदीव के ये मंत्री जो है वो अपने ही देश में घिर गए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट किया, उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा, मैं मालदीव सरकार के अधिकारियों के सोशल मीडिया पर भारत के बारे में नफरत से भरी भाषा का इस्तेमाल करने की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का दोस्त रहा है, हमें इस तरह की टिप्पणियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे दोनों देशों की पुरानी दोस्तियों में दरार पड़े। नेता से लेकर अभिनेता तक लगातार ट्वीट करते हुए नजर आए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी अपनी सरकार को खरी खरी सुनाई। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मालदीव सरकार के अधिकारियों ने भारत जैसे मालदीव की सुरक्षा और खुशहाली के लिए अहम देश के नेता के बारे में कैसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। मालदीव को भारत को भरोसा देना चाहिए कि ऐसे बयान सरकार की नीति नहीं है।